नमस्कार, आइए बात करते हैं जनपद कन्नौज के। जनपद कन्नौज के सर्विस लाइन टीम बाद थाना छिबरामऊ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय जहरखुरानी गैंग के 3 सदस्यों को विभिन्न घटनाओं में जहरखुरानी कर पार किए गए 21 मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी व आभूषण सहित गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले, पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश इंडिका कार से बेवर से आने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा नमस्ते इंडिया दूध प्लांट के सामने चेकिंग के दौरान इंडिका विस्टा कार को रोक कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 700 नशीली गोलियां, 21 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप व सोने के चांदी के आभूषण बरामद किए गए। छिबरामऊ की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सौरभ शुक्ला, दलवीर शाह और संजय जाटो, ये जहर खुरानी से संबंधित गैंग है। ये जनपद के अलावा मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, आगरा, मथुरा और हरियाणा, दिल्ली तक ये ऑपरेट करता है और इन्होंने बहुत सारी घटनाएं कबूल की हैं। अभी 17 जुलाई को छिबरामऊ में एक व्यक्ति को जहर खुरानी का शिकार बना करके उसका लैपटॉप और मोबाइल लूटा था और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और एक अभी मई में इन्होंने राजस्थान के दौसा में एक घटना की थी, उसमें भी ये जहर खुरानी का शिकार बनाया था। तो उससे संबंधित भी मोबाइल, लैपटॉप और कुछ आर्नामेंट, इंडिका इकार, बहुत सारी नशीली दवाइयाँ और कुछ पैसा बरामद हुआ है। ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है, इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिसमें जिनकी तलाश की जा रही है। इनके कब्जे से 21 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो विभिन्न घटनाओं में लुटे गए थे। इस प्रकार से एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। और बाकी चीज़ें सर्विलांस के माध्यम से पता कराया जा रहा है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि जो लोग इसमें कुछ लोग और शामिल हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है, उनके भी कार्रवाई की जा रही है।